ओके सो अगर मैं आप सभी को कहूँ कि नेक्स्ट 2-3 महीनों में ही आप अपने फ़ोन में PS3 गेम्स खेल रहे होंगे तो बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज कर देंगे, कुछ सीरियस नहीं लेंगे एंड कुछ इसको फेक समझेंगे। बट अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपका PS3 गेम से रिलेटेड कुछ तो इंटरेस्ट है, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो आप सभी को मैं बता दूं, आज से पहले मैंने 2-3 वीडियो में PS3 इम्यूलेटर कवर करा है, उसमें मैंने बहुत सारे जो लीक्स वगैरह आए थे सब कुछ कवर किया था। आप चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे इम्यूलेटर्स ट्राई करे एंड इवन PS3 पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। सो आज इस वीडियो में मैं विद प्रूफ तुम लोगों को दिखाने वाला हूं कि कौन सा PS3 इम्यूलेटर 2-3 महीनों में आने वाला है। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, सो इस वीडियो को एंड तक देखना। सब कुछ मैंने रिसोर्सेज से लेके कहां से इम्यूलेटर आने वाला है, कौन से वो डेवलपर्स हैं एंड कब तक तुम्हारे बीच में इम्यूलेटर आ जाएगा एंड कौन से गेम्स तुम अब इस इम्यूलेटर में खेल पाओगे, प्लस मैं तुम लोगों को कंपेटिबिलिटी भी बता दूंगा कि एटलीस्ट तुम्हारे पास कौन सा डिवाइस होना चाहिए। सो गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट अस गेट स्टार्टेड। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, अगर तुम विविध गेमर्स पे नए हो एंड इसी तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ गेमिंग वीडियोज देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इम्यूलेटर से लेके एंड्रॉइड गेम्स सब कुछ एक्सप्लोर करता हूँ चैनल पे। हाँ थोड़ी वीडियोस लेट हो जाती है बट स्टिल यार आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एंड सारे रिसोर्सेज को देख के ही मैं तुम्हारे लिए वीडियोस लाता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके गाइस वीडियो के मेन टॉपिक पे लैंड करते हैं कि PS3 इम्यूलेटर फॉर एंड्रॉइड। फाइनली गाइस एक PS3 इम्यूलेटर हमारे बीच आने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला, यानी कि नेक्स्ट 2-3 महीनों में ही तुम लोगों को वो इम्यूलेटर देखने को मिल सकता है अपने फ़ोन में। उसके कुछ टेस्ट बिल्ड्स वगैरह जल्दी ही आने वाले हैं। तो गाइस अगर तुम लोग इम्यूलेटर्स में मतलब थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो तुमने अगर Victrex VM का नाम सुना है, आई थिंक तुम लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन स्टिल ये इम्यूलेटर काफ़ी सही था। इसमें तुम लोग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन कर सकते थे अपने फ़ोन में एंड मैंने खुद ये इम्यूलेटर ट्राई करा था थोड़े दिन पहले एंड इस इम्यूलेटर में तुम जैसे कि विंडोज़ 7 से लेके विंडोज़ 10 एंड इवन तुम लाइक जैसे कि ब्लैकबेरी या फिर एंड्रॉयड 2.0 एंड विंडोज़ या फिर कह लीजिए कि Mac OS, इस तरह के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसमें तुम रन कर सकते थे। बट स्टिल ये इम्यूलेटर थोड़ा स्लो था, मतलब बूटिंग वगैरह जो विंडोज़ की थी वो थोड़ी स्लो होती थी, लेकिन स्टिल यार ये इम्यूलेटर तुम लोगों को मतलब रियल पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता था। तो फाइनली इसके डेवलपर्स ने एक मतलब GitHub पे अगर तुम लोग इस इम्यूलेटर को सर्च करोगे तो तुम लोगों को एक GitHub पेज मिलेगा एंड वहीं पे तुम लोगों को एक अलग से मतलब इन्होंने एक सेक्शन दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, तो तुम लोग भी वहाँ पे जाके इनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। स्टिल मतलब चौंकाने वाली बात ये है कि उस टेलीग्राम ग्रुप में थोड़े दिन पहले Victrex VM के ऑफिशियल डेवलपर्स ने कहा था कि लेट्स बिल्ड RPCS3 इम्यूलेटर पोर्ट फॉर एंड्रॉइड डिवाइस। ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि ऑफिशियल RPCS3 इम्यूलेटर का पोर्ट लाने वाले हैं वो एंड्रॉइड फ़ोन में, जो कि यार एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अगर RPCS3 जैसा इम्यूलेटर जो कि मतलब डायरेक्ट PC का पोर्ट अगर फ़ोन में आता है तो दिस कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, बिकॉज अगर तुम मतलब इमेजिन ही कर सकते हो अभी तक तो, क्योंकि इम्यूलेटर हमारे बीच में आया नहीं है। अगर ये इम्यूलेटर अगर फ़ोन में आता है तो तुम लोग देख सकते हो यार, तुम GTA 5 से लेके God of War से लेके Last of Us, इस तरह के गेम्स अपने फ़ोन में बड़ी ईजिली खेल सकते हो। तो गाइज ये बहुत बड़ी बात है, विद प्रूफ यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो। मैंने सर्च भी किया था RPCS3 इम्यूलेटर, तो यहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन चली है RPCS3 इम्यूलेटर की एंड यस, अगर कोई डेवलपर इस तरह की स्टेटमेंट करता है तो ये एक हॉट न्यूज़ बन जाती है। तो पीपल्स ने मतलब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको सीरियस लिया एंड इस पर बहुत सारी बातें भी हुई है। तो यस डेवलपर्स काम कर रहे हैं इस पर, मतलब ये नहीं कि वो स्टार्ट करेंगे, स्टिल वो काम कर रहे हैं, बहुत जल्द तुम्हारे बीच आने भी वाला है PS3 एंड कोई भी डेवलपर ऐसे ही कोई ऐसी बातें नहीं कर देता है कि वो PS3 का पोर्ट लेके आने वाला है, मतलब ये कोई मतलब सीरियस बात होती है, कोई भी डेवलपर ऐसे मतलब मजाक में ये बातें तो नहीं कर सकता। तो गाइज यार एक मतलब एक उम्मीद तो है कि RPCS3 इम्यूलेटर या फिर कह लीजिए कि कोई PS3 इम्यूलेटर ऑफिशियल PS3 इम्यूलेटर हमारे एंड्रॉइड में आने वाला है। तो एक बात और अगर तुम लोगों ने नोटिस करी हो तो साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है ब्रैकेट में कि ये होने वाला है ऑफलाइन, यानी कि कोई ये क्लाउड गेमिंग नहीं है, ये एक ऑफिशियल PS3 इम्यूलेटर है वो भी ऑफलाइन, यानी कि यार तुम जो मतलब Bethesda में जैसे तुम खेलते हो ना गेम, जैसे कि रोम्स वगैरह डाउनलोड करके तुम ऑफलाइन गेम्स खेलते हो वैसा ही। तो मतलब यार सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि मुझे यार God of War 3 जैसे गेम अपने फ़ोन में ही खेलने हैं। तो गाइज यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये न्यूज़ एंड मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही ये कुछ बिल्ड्स वगैरह या फिर Beta APKs वगैरह हम लोगों को प्रोवाइड कराएं। तो यार गाइज तुम लोग उन जो डेवलपर्स हैं उनको सपोर्ट करो, उनके टेलीग्राम को तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर तुम GitHub
गिटहब से जाके उनका टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस कैसी लगी तुम लोगों को ये न्यूज़? एंड हाँ, मैं तुम लोगों को साथ ही साथ कंपेटिबिलिटी बता दूँ, तो उन्होंने कहा कि फ्लैगशिप डिवाइसेज होने पर चाहिए तुम्हारे पास फ्लैगशिप, यानी कि तुम्हारे पास एटलीस्ट 778 तो होना ही चाहिए, यानी कि स्नैपड्रैगन 778। एंड अगर तुम मीडियाटेक के यूज़ करते हो तो मीडियाटेक 920 होना चाहिए तुम्हारे पास, मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 एंड स्नैपड्रैगन 778। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहेगी, मतलब थोड़ी बहुत इनमें हैंग होकर गेम चलेगा, बट अगर तुम्हारे पास स्नैपड्रैगन 870 है या इससे ऊपर के चिपसेट 8 Gen 1 है, Gen 3 है, इनमें तो मतलब आई थिंक स्मूथली गेम चल जाना चाहिए। बाकी जब तक इम्यूलेटर नहीं आ सकता तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि इम्यूलेटर कितना ऑप्टिमाइज्ड है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, एंड बताना कमेंट करके क्या तुम लोगों को मतलब कैसी लगी ये न्यूज़ एंड कितना एक्साइटेड हो तुम PS3 इम्यूलेटर के लिए। आज तक मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं चैनल पे जिनमें मैंने यही बताया था कि कौन से जो PS3 मतलब डेवलपर्स है, कौन से डेवलपर्स है जो PS3 इम्यूलेटर एंड्रॉइड में ला सकते हैं, तो मैंने उनमें साफ साफ बताया था कि RPCS3 भी अपने फ़ोन में आ सकता है। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि RPCS3 हमारे बीच में आने वाला है, एंड साथ ही साथ डेवलपर्स ने भी कंफर्म कर दिया है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड सपोर्ट कर रहा हूँ उन डेवलपर्स को, तो मैं मतलब दुआ करूँगा, एंड हम सभी लोग यही प्रे कर सकते हैं कि बस वो एक बढ़िया सा एमुलेटर हमारे बीच में रिलीज़ कर दे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आई थिंक तुम लोगों को अच्छी ही लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना।